गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं हूँ मेचुका में और मैं यहाँ रुका हूँ। होम स्टे है जेन्योर होम स्टे, ये मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है। तो मैं आपको अभी इसका टूर गाइड दे देता हूँ। जेन्योर यहाँ से एंट्रेंस है इसका, एंट्रेंस करो अपने जूते अंदर बाहर खोल देते हैं लोग। ये एंट्रेंस, ये है बैठने का लोगों का, बाहर का व्यू देखो, बैठो यहाँ पे। एक ये रूम है, एक बेड और ये दूसरा बेड, ये इसका बाथरूम है। फिर ये है सिटिंग रूम, यहाँ से आप एंटर करो और ये बैठने का है। यहाँ अपना टाइम स्टेबल कर सकते तो सर शाम को मिलेगा ना सर। ये है बार बैठने का, ये है ना बैठने का सर ना। ये है रूम है बार में, ये किंग साइज डबल बेड है और साथ में एक सिंगल बेड है। ये बेड है जी। और ये रूम में इंडियन टॉयलेट है, पूरा गीजर वॉश बेसिन वगैरह का पूरा प्रोविजन। हाँ ये गीजर है, ये इंडियन साइज है वॉश बेसिन। और लाइट जाती है तो सर के लिए स्पेशल जनरेटर की व्यवस्था कर रखी है तो जी, सर। हाँ जी 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 हाँ, तो यहाँ आइएगा प्लीज, घर घर जैसा आपको महसूस होगा। ये एक रूम हो गया, अमन तो चले उधर। जी जी हाँ जी जी ये है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो आग जला के करते हैं। यहाँ टीवी भी चल रहा है। यहाँ आग जलाते हैं, पास में बैठना तो यहाँ बैठ के सोते हैं। जहाँ पे मेरे गेस्ट खाना खाएंगे। हाँ जी हाँ जी, ये डाइनिंग है, डाइनिंग टेबल है और किचन। यहाँ पे ये इधर किचन है, ये किचन में हाँ जी यहाँ पे खाना बनाते हैं। जी जी ये खाने का है, ये ग्रोसरी। ऐसी सफाई आपको कहीं नहीं मिलेगी, इतना नीट एंड क्लीन। पूरा रूम है जी यहाँ पे। हाँ और रूम है, इसमें भी डबल बेड है, ये डबल बेड हो गया, डबल बेड है और साथ में है एक सिंगल बेड। और इसमें वेस्टर्न चलो। हाँ ये
ये सिंगल बेड है इधर, हाँ सिंगल बेड है और ये मिरर डबल बेड ना, इसमें है। 3 लोग बैठ सकेगा। और इसमें वेस्टर्न टॉयलेट है, वेस्टर्न टॉयलेट, गीजर, वॉश बेसिन सब पूरा फैसिलिटीज रखा है। और इस रूम का 2500 है, वो रूम नंबर 1 और ये रूम नंबर 2 दोनों का 2500 है। 2500 रुपये एक नाइट के, नाइट के ना जी। जी हाँ जी। और यहाँ पूरा सिटी का व्यू और पूरा बाहर का मेचू का व्यू आता है इधर से। अभी थोड़ा नाइट है तो बाहर का व्यू अभी नहीं दिख रहा। मैं एक वीडियो और बनाया था सुबह, वो भी डाल दूंगा। ये है डोरमेट्री जहाँ पे 3 बेड लगे हुए, ये 3 सिंगल बेड लगा तीन। है। हाँ जी। और ये रूम का है 1800, 1800, 1800, 600, 600 सिक्स करके हंड्रेड है। लेकिन अगर दो लोग बैठेंगे तो 1500 फिफ्टीन है, हंड्रेड हाँ जी। हाँ जी। और एक सिंगल कोई आके बैठता है तो उसका 1000 वन होगा। थाउजेंड है जी ये है, सिंगल बेड है। और यहाँ पर्सनल टेबल है और यहाँ तौलिया वगैरह, तौलिया मिलता है, सब कुछ सामान मिलता है। और इधर से दो व्यू है, इधर से व्यू है यहाँ खिड़की से। अभी मैंने आपको बताया नाइट है तो नहीं दिखेगा। एक इधर से भी व्यू है, सीट पूरा दिखता है मेचू का। और इसका बाथरूम अलग से मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ कॉमन बाथ है जो सिर्फ डोरमेट्री वाले यूज करते हैं। ये है, ये डॉर्मेट्री डोरमेट्री के का। लिए, यूजर के लिए है ये। इसमें भी पूरा सुविधा है, इंडियन टॉयलेट है और गीजर है, पानी गर्म है। हमारे गणेश जी बैठे हैं, ये इधर हमारे कान्हा जी, ये देखो ये। और मेरे यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं उनको मैं कोशिश करती हूँ कि जितना तक हो सके यहाँ का ट्रेडिशनल खाना और चाय वगैरह मतलब ये दे नहीं आप देते हो, मैं देख रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, बाकी बाकी मेरी मजबूरी है ना, तो मेरा जाना पड़ रहा, बाकी तो मन नहीं करता। बाकी जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये तो आपको ऐसी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन ये तो सर का मन है कि बातें करें लोगों से, नए नए लोगों से मिले, इसलिए इन्होंने ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चला रखा है। और ये देखो आप, सफाई देखो यहाँ, ऐसी सफाई आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ आप आओ बैठो, यहाँ आ तको, ये अभी हमारा डिनर लग रख चुका है। चावल है, मैं वैसे इस रोटी खाता हूँ, उनको बोला तो मेरे लिए रोटी बन गई है। दाल है, पनीर पनीर है की सब्जी। और खीरा। यहाँ का इतना मीठा है ना, मैंने अभी कभी नहीं खाया है हाँ खीरा। अपना ये किचन अपना किचन गार्डन का गार्डन मैंने है। बता दिया कि बाहर पूरा ऑर्गेनिक खेती करते जी हैं पूरा सब्जी। ऑर्गेनिक हाँ, है। ये चटनी है, एप्पल है। खाने का जो है डिनर वेजिटेरियन जो है वो है उसका 200 है, उसका बाद नॉन वेज 300, थ्री और हंड्रेड ब्रेकफास्ट में 150 लेती हूँ। जी। और चाय वगैरह जितना भी आप चाय बोलिए, कॉफी बोले, ग्रीन टी, वो मैं आज तक किसी से पैसा नहीं जी लिया, जी क्योंकि कोई अगर आते हैं तो जब मेहमान बनकर आते हैं और अपना बन जाता है ना ना, मतलब ये अपना सा लगता है सबको कि चाय वगैरह के लिए मैंने कभी नहीं सोचा कि पैसे लें। सही है। और खाना भी बहुत इतना टेस्टी होता है ना, बहुत टेस्टी खाना होता है, एकदम स्वादिष्ट खाना होता है। और इतना घर टाइप लगता है कि कभी मन नहीं करे कहीं जाने का, बस यहीं बस। मेहमान बनकर आए और हाँ, अपना बनकर जाए। अपना तो ये है। अभी हम डिनर करेंगे यहीं पे।